हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इन्वेस्टिंग विद हरदीप में मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं एक नई वीडियो और एक नए अपडेट के साथ में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा अडानी ग्रुप के शेयर यानी कि अडानी पावर की, जो एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम इस साल के स्टार्टिंग में दिखा भी चुका है। उसके बाद ऊपर इस तरह से 40% करेक्ट भी हुआ। ऐसी बात नहीं है कि एक साइड तरफा कभी भी मार्केट या स्टॉक भागता है। जहां एक टाइम पे ऑलमोस्ट 250% के आसपास तक के रिटर्न्स जो हैं शॉर्ट टर्म में 3 से 4 महीने के अंतराल में बना के दिए, वहीं जो हाई लगाया था 52 वीक का, उससे 40% करेक्ट होते हुए भी नजर आया। अब अच्छे इन्वेस्टर की तो पहचान यही होती है कि जब मार्केट करेक्ट हो, आपको उस स्टॉक पे भरोसा है, सोच समझ के आपने इन्वेस्टमेंट की है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो जैसे जैसे वो स्टॉक गिरेगा 20-30-40% करेक्ट होगा, वैसे ही वो अपना स्टेक इंक्रीज करेगा। और वही मौका अडानी पावर में हमें देखने को मिला था, लेकिन उसके बावजूद दोबारा से रिकवरी दिखी अडानी पावर में। तो क्या कुछ अपडेट है डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आप लोगों तक तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो पहले तो एक और चीज़ समझिए कि अडानी पावर जो है ASM स्टेज 4 लिस्ट के अंदर है। तो यानी कि इसकी जो अपसाइड मूवमेंट और डाउनसाइड मूवमेंट की, यानी कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट बैंड लिमिट जो है वो 5% के आसपास की देखने को मिल जाती है। और आज के दिन भी ऑलमोस्ट 5% के आसपास की तेजी बरकरार है। 13.70 रुपये की बढ़त के साथ 289 रुपये पे स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, जहां कल की क्लोजिंग 275 रुपये पे थी। बीते 5 से 6 दिनों में आपको स्टॉक मार्केट गिरते हुए देखने को मिली होगी, और अडानी पावर भी जो है बुरी तरीके से ऑलमोस्ट 260 रुपये के आसपास जाता हुआ देखने को मिला। देखिए 260 तो नहीं कहूँगा मैं, ऑलमोस्ट 262 रुपये के आसपास तक स्टॉक गया था। तो कहीं ना कहीं उस लेवल से देखें तो 10% के आसपास की तेजी दोबारा से हम स्टॉक में देख चुके हैं। यानी कि कल के दिन मोस्टली सभी शेयर्स में उछाल था, 5% का उछाल अडानी पावर में भी रहा, और आज के दिन भी 5% का उछाल जो अडानी पावर में रहा, जबकि बीते 5 दिनों में 10% के उछाल के बावजूद भी 6% की करेक्शन अभी भी बाकी है। एक महीने में बात करेंगे तो 12% के आसपास तक की गिरावट अडानी पावर में हो चुकी है, और जबकि ऊपरी स्तर से गिरावट देखेंगे तो 40% के आसपास तक की करेक्शन जो है अडानी पावर में हो भी चुकी है। यही चीज़ मैं कह रहा था कि मौका होता है अच्छे स्टॉक्स को डिप में बाई करने का। अगर आपका लॉन्ग टर्म का इरादा है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई स्टॉक आपने पोर्टफोलियो में रखा है, तो उसमें यही मौका होता है। 262 रुपये के आसपास तक स्टॉक गया, और वहाँ पे जो है एक इन्वेस्टमेंट का मौका अडानी पावर में हमें देखने को मिला। फिर भी 6 महीने में 40% की करेक्शन जहाँ हुई, फिर भी ऑलमोस्ट जो है यहाँ पे 6% के आसपास तक के रिटर्न्स जो हैं अभी भी बरकरार देखने को मिल जाते हैं। एक साल की बात करेंगे तो 190% के आसपास तक के रिटर्न हैं, जबकि 40% स्टॉक करेक्ट हो चुका है ऊपरी स्तर से। और अगर आप इसका मैक्सिमम रिटर्न चार्ट देखेंगे तो 180% के आसपास तक के रिटर्न जो हैं अडानी पावर ने अभी तक इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। तो अडानी पावर, पहले तो ये समझिए कि अडानी ग्रुप का जो फंडामेंटल्स हैं, अडानी ग्रुप कैसा है, उसके बेसिस पे ही आपको अडानी के ग्रुप्स के अंदर शेयर में जो जितने भी हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्योंकि मेरा मोटिव कहने का ये है कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से। क्योंकि अडानी ग्रुप के शेयर्स में आप देखेंगे कि सबसे ज़्यादा कर्जा जो है अडानी ग्रुप के शेयर्स के प्राइसेस पे ही देखने को मिल जाता है। अब उस पर अडानी पावर की मैं बात करूँगा तो समझिएगा आप लोग, रैली इन अडानी पावर शेयर्स स्टम्बल्स टुवर्ड्स ईयर एंड, टाइम टू बाय सेल और होल्ड। तो कहीं ना कहीं मैं कहूँगा कि अभी करंट लेवल्स पे तो खरीदारी करनी चाहिए। 260-280 की रेंज में स्टॉक आ चुका है, और अगर आज का वॉल्यूम देखेंगे तो आप ऑलमोस्ट 19 लाख के आसपास का वॉल्यूम जो है अभी तक अडानी पावर में ट्रेड भी हो चुका, जबकि 5% के सर्किट में ऑलमोस्ट लॉक भी है। 50,000 के आसपास का सेलिंग प्रेशर है, जबकि ऑलमोस्ट 105,199 शेयर्स का बाइंग प्रेशर भी देखने को मिल जाता है। ASM लिस्ट में कह ही रहा था कि स्टेज 4 के अंदर ये स्टॉक देखने को मिल जाता है। और अगर आप बैंक निफ्टी निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, और उस ट्रेडिंग से जो पैसा आप कमाएंगे उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ट्रेडिंग सबसे पहले बेस्ट ऑप्शन है कि ट्रेडिंग को सीखना है और करना कैसे है। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मेरे फ्री टेलीग्राम ग्रुप का जो चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहां पे हर रोज़ बैंक निफ्टी निफ्टी की 1 से 2 डेमो कॉल प्रोवाइड करता हूं, जिनकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 90% के आसपास रहती है। तो आप उनसे प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, अपना खर्चा निकाल सकते हैं कहूं तो मैं रूटीन में, और उसी पैसे को आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर मैं ट्रेंडिंग ऑसिलेटर्स की बात करूँ, चार्ट पैटर्न के हिसाब से बात करूँ, तो कहीं ना कहीं ऑसिलेटर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बाई का रिकमेंडेशन है, क्योंकि ऊपरी सर से 40% करेक्ट भी हो चुका है, और दोबारा से एक बियरिश मूवमेंट जो है हमें अडानी पावर में देखने को मिल चुका है। तो 260 रुपये के आसपास तक स्टॉक गया है, 40% का गिरावट बहुत ज़्यादा होती है, और वो हम देख भी चुके हैं इसके अंदर। फिनस्टार रेटिंग देखें तो ऑनरशिप जो है यहाँ पे 3 स्टार है, जबकि वैल्यूएशन भी ऑलमोस्ट 2 स्टार से ऊपर है। फाइनेंशियल्स वीक हैं, एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा पुअर जो है,
अडानी पावर की देखने को मिल जाती है, जबकि इसका मार्केट कैप 110,000 करोड़ का है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.57, फेस वैल्यू स्टॉक की 10 की है, बुक वैल्यू ऑलमोस्ट 44 रुपीज की, कर्जा कंपनी के ऊपर 12,000 करोड़ का है और कैश कंपनी के पास सिर्फ 250 करोड़ का है। यही जो चीज़ें हैं फाइनेंशियल्स किसी भी कंपनी के जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि बिल्कुल भी अच्छे हमें अडानी पावर के नहीं देखने को मिल जाते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए, रिटर्न ऑन कैपिटल देखिए, 1.07% नेगेटिव है रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल 1.91% है। तो इन सभी चीज़ों की वजह से मैं कहता हूँ कि अडानी ग्रुप के शेयर्स पे आप अगर दाव लगा रहे हैं तो बहुत ही सोच समझ के आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से दाव लगाना, क्योंकि यहाँ पे कभी भी पलट खेल हो सकता है, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें अडानी पावर के नहीं देखने को मिल जाते हैं। और प्रमोटर्स के पास भले ही 75% स्टेक है, जिसमें से 25% स्टेक जो है वो गिरवी रखा हुआ है, और बाकी जो प्रमोटर्स के अलावा पब्लिक के पास स्टेक बचा है 12%, FII के पास 13% और DII के पास कोई भी स्टेक नहीं देखने को मिल जाता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से मौका है, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट करके जरूर आप लोगों को इन्वेस्टमेंट स्टॉक के अंदर करनी चाहिए।